देखो, एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एन एलिमेंट ए इन ए कंपाउंड ए बी डी हैज एन ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन नंबर ए माइनस। इट इज ऑक्सीडाइज बाय के टू सी आर टू ओ सेवन इन एसिडिक मीडियम इन एन एक्सपेरिमेंट। आपको दिया गया है 1.68 इंटू 10^-3 मोल ऑफ के टू सी आर टू ओ सेवन वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस मोल ऑफ कंपाउंड ए बी डी। कैलकुलेट न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए। एज्यूम कंसेप्ट एक्सेप्ट ए नो अदर एलिमेंट इन ए बी डी अंडरगो रेडॉक्स चेंजेस। कोई भी नहीं हुआ, मतलब बहुत ईजी है। और मुझे ये लग रहा है सॉल्यूशंस ए बी डी कंपाउंड है जिसने के टू सी आर टू ओ सेवन के साथ रिएक्शन करा और क्या बनाया, बी का कोई कंपाउंड बनाया। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बी की कितनी है? बी के लिए नहीं, ए के लिए, माइनस एन है। तो यहाँ ए की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या बढ़ेगी ए की ऑक्सीडेशन स्टेट? माइनस एन प्लस एन फैक्टर बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये उसको बढ़ाएगा, -3 + 1 2 3 4 कुछ भी करेगा बढ़ेगा। तो माइनस एन प्लस एन फैक्टर बढ़ेगा, बोलो यस और नो। तभी इसका एन फैक्टर दूसरी तरफ सी आर प्लस थ्री में चेंज होगा। तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना है? 6। और यहां एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर ही रहने दीजिए। तो इस तरह से होना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होता तो यहां क्या करते, माइनस एन फैक्टर करते। अब तो आपका काम क्लियर हो गया। तो बताइए इसके मोल कितने एबीडी के? एबीडी के मोल दिए गए 3.26, 3.26 इंटू 10^-3 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। दूसरी तरफ के टू सी आर टू ओ सेवन के दे रखे 1.68 इंटू 10^-3 और उसका एन फैक्टर है 6। ये वैल्यू कितने से क्रॉस कर रही है? 2 टाइम्स। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6/2 यानी 3। तो बताइए ए की जो न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी? -n + 3, या क्या बोल सकते हो, 3 - n। तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि केवल ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बढ़ेगी, बढ़े के कितनी होगी? -n + n फैक्टर। तो ये क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स में हो गया। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा आपको, करने में नहीं लगेगा। लिखें इसको। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, आईआईटी एडवांस 1996। क्वेश्चंस क्या कह रहा है पहले एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ो आप, सिर्फ एडवांस के लिए। ए 3.0 ग्राम सैंपल कंटेनिंग Fe3O4 एंड Fe2O3 एंड सम इम्प्योरिटीज। इनर्ट इम्प्योरिटीज का मतलब एक ऐसी इम्प्योरिटी जो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो जनरली मैं इस तरह की इम्प्योरिटीज को सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि मिट्टी मान लेता हूँ, ठीक है, स्टोन मान लेता हूँ जो जनरली इनर्ट रहती है, ग्लास मान लेता हूँ, ठीक है। इनर्ट इम्प्योर सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद एक्सेस KI यानी KI के साथ उसे रिएक्ट कराया गया है। सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट H2SO4, ठीक है, मीडियम एसिडिक बताने की कोशिश कर रहा है। द एंटायर आयरन इज कन्वर्टेड टू Fe+2 यानी जितना भी आयरन है वो प्लस थ्री में हो या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, बताया जा रहा है वो प्लस टू में चेंज हो जाएगा अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ I2। साथ ही I2 लिबरेट होगी। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डायल्यूटेड टू 100 ml। हम पूरे सॉल्यूशन को 100 ml डायल्यूट कर देंगे और उस सॉल्यूशन में से 20 ml solutions, ml of solutions required to 11.0 ml of 0.1 m hypo Na2H2O3 के साथ reduce कराएंगे और reduce the iodine, जो बनने वाली iodine है उसको reduce कराएंगे present if, ठीक है, जो भी present है। फिर उसके बाद 50 ml of the diluted solution यानी उसी का जो 100 ml का part करा था आपने, उसमें से 20 ml तो यहाँ गया, बाकी का 50 ml ऑफ द डायल्यूटेड सॉल्यूशंस आफ्टर कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन रिक्वायर्स
12.8 ml ऑफ 0.25 mKMnO4 के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन डाइल्यूट H2SO4 फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2। कैलकुलेट परसेंटेज Fe2O3 एंड Fe3O4 इन इनिशियल सॉल्यूशन, ऐसा हमने पूछा जा रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन की थीम क्या है, उस थीम को समझो। सॉल्यूशंस बनाने से पहले आपके पास Fe2O3 है, शुरू से करते हैं, Fe3O4 है, Fe2O3 है, और इनर्ट इंप्योरिटीज को मैंने SiO2 मान लिया, ठीक है। मान लीजिए इसकी परसेंटेज x परसेंटेज है, तो 3 × x/100, ये इसका मास आ गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि इसका दिया गया है। मोलर मास कितना होगा Fe3O4 का, बिल्कुल आप देख रहे हैं 232 ग्राम, ये इसके मोल आ गए, तो पीछे लिख दो मोल। यहां Fe2O3 के कितने होंगे मोल, 3 × y/100, 160 मोल। बस हमें इसके मोल की कहीं कोई जरूरत नहीं है इंप्योरिटीज की, बस। और ये दो वेरिएबल हैं जिनको हमें निकालना है, एक्स एंड वाई। इंफॉर्मेशन क्या देती है, इंफॉर्मेशन दो पार्ट में हमने कर लिया। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइट्रेशन, ये जो Fe3O4 है इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप बता सकते हैं 8/3। और यहां Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। जब मैं फर्स्ट टाइट्रेशन करूंगा तो उसके अंदर आयरन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट से हो वो किस में चेंज हो जाएगा, +8/3 हो वो +2 में चेंज होगा, या +3 में हो वो भी +2 में चेंज हो जाएगा। यानी आयरन का क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन। अगर आयरन का रिडक्शन होगा तो किसी का तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, सिर्फ एक का, और वो है आई माइनस का ऑक्सीडेशन I2। कुछ समझ में आ रहा है, तो बताइए अगर ये चेंज हो रहा है तो इसका इन्फेक्टर कितना है, यहां पर 8/3 से +2 कितने का डिफरेंस है, और कितने आयरन है इसमें, 3। तो एक तरह से अगर मैं यहां एन फैक्टर निकाल रहा हूं तो 8/3 − 2 × 3, 3 आयरन है यहां पर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6, 2, क्लियर है, 2 आएगा यहां पर। दूसरी तरफ यहां एन फैक्टर 2 आ गया इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए एन फैक्टर 2 है फर्स्ट रिएक्शन में। यहां एन फैक्टर कितना आ रहा है, यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है 1 + 3 से + 2, और आयरन कितने हैं आपके पास, +3 से +2, और आयरन कितने हैं यहां पर, 2 Fe2O3 में, तो × 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एन फैक्टर। तो दोनों में ही खास बात है हमारे लिए कि हमारा एन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 2। कोई समझ में आ रहा है, तो यहां इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, दोनों ही जगह 2 2 दिखाई दे रहा है आपको। अब आयोडीन का इन्फेक्टर कितना होगा, हमें आयोडीन का निकालना है या आयोडाइड का, आयोडीन का, और आयोडीन का इन्फेक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, 2। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर मैं फर्स्ट स्टेप में लिखता हूं तो इक्विवेलेंट ऑफ I2 कितने होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ जितने भी आयरन है Fe2O3 प्लस Fe3O4 दोनों के इक्विवेलेंट का समेशन होगा। बोलो क्लियर है, तो ये आपके पास आ चुका है, ये आयोडीन के इक्विवेलेंट है। कोई समझ में आ रहा है, अब आयोडीन के सारे इक्विवेलेंट क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं, आपने उसको किस क्या किया है, 100 में डिसॉल्व किया और 20 ml को ले गए, ठीक है। तो वो हमारे लिए कहां गए, यानी हम बात करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो Na2S2O3, वो किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ
आयोडीन मल्टीप्लाई बाय, पहले डिवाइड करो 100 से और 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने यूज किए जा रहे हैं, कितने में डिसॉल्व किया जा रहा है, और ये हमारे पास हो जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो। क्या आपको इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो दिए गए हैं? 11 ml दिया गया है, 11 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास नॉर्म मोलरिटी 1/2 और एन फैक्टर 1 होता है Na2S2O3 का हाइपो के अंदर। और आयोडीन के इक्विवेलेंट हमारे पास कहां से निकलेंगे? हमारे को निकलेंगे आयरन से। आयरन के पहले Fe3O4 के मोल बताइए जल्दी से कितने होंगे? Fe3O4 के मोल 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 100 अपॉन 232, ये मोल है, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना है इसका 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100 मोल हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाई बाय इसका भी एन फैक्टर 2 है, मल्टीप्लाई बाय 20/100। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन रही है एक्स एंड वाई के बीच में, सही है। एक बार भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, यहां आ सकती है कि एन फैक्टर हमने कैसे निकाला, मैं फिर बता देता हूं। यहां Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है 8/3 जो कि +2 में चेंज हो रहा है, तो 8/3 -2 कितने का डिफरेंस आया 2/3, और कितने आयरन है एटोमिसिटी 3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ 2, तो इसका एन फैक्टर 2 है हमने लिख दिया। दूसरी तरफ यहां +3 से +1 में चेंज हो रहा है, +3 से +2 में चेंज हो रहा है, कितना आएगा चेंज, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 1, कितने आयरन है 2, तो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा 2 मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये टोटल इक्विवेलेंट ऑफ आयरन आ गए जो कि Fe+3 में चेंज हो रहे हैं। आपके पास आयरन के इक्विवेलेंट जितने होंगे उतने ही इक्विवेलेंट किसके बनेंगे, आयोडीन के। ये आयोडीन के इक्विवेलेंट की जगह मैंने आयरन के लिख दिए और फिर उसको क्या करा 20/100, 100 में डिसॉल्व किया 20 निकाल दिया, और उस 20 को हमने किसके साथ टाइट्रेट किया, हाइपो के साथ, तो हाइपो के इक्विवेलेंट के इक्वल करती है XY में हमारे को एक इक्वेशन मिल गई। ये एक इक्वेशन है, इसको नोट डाउन करो, दूसरी इक्वेशन हम फिर बनाएंगे। यहां तक क्लियर है? दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा, हमें ये चीज साफ करनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन बना चुके हैं आप, इसको अलग ही लिख लो आप, दूसरी इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे। ये मोल थे Fe3O4 के, तो बताइए जब आयोडीन के साथ रिएक्शन हुई तो सारा Fe किस में चेंज हो गया, Fe+2 में, कंप्लीट Fe+3 हो या Fe+8/3 हो किस में चेंज हो चुका है Fe+2 में। तो आप मुझे बताइए मोल ऑफ Fe+2 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 230 2, ये इसके मोल थे Fe3O4 के, तो Fe आयरन के कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 3, जो अब आज पूरी तरह से किस में चेंज हो चुके हैं Fe+2 में, प्लस 3y अपॉन 100 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आयरन के मोल निकाला हूं जो अब पूरी तरह से Fe+2 में चेंज हो चुके हैं, ये Fe+2 के मोल है। Fe+2 के मोल आपके सामने है, बोलो हाँ। अब Fe+2 के मोल आपके पास सामने है तो ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास Fe+2 के हैं और ये Fe+2 के मोल को हमने किससे ऑक्सीडाइज करें, KMnO4 से, तो देखिए एक लाइन और इसके नाम, हमारे पास Fe+2 के मोल है, इक्विलेंट निकाल लेते हैं, तो इक्विलेंट ऑफ Fe+2 उसको आपने 100 में डिसॉल्व किया था और 50 निकाल लिए थे, और उसका टाइट्रेशन किससे किया था आपने, इक्विलेंट ऑफ KMnO4। तो बस शुरू हो जाओ, Fe+2 के इक्विलेंट लिखिए आप, 3x डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 232 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3y अपॉन 100, चलते जाइए।
तो हमने यहाँ पर 3x, ठीक है, Fe प्लस 2 के जब हमने मोल निकाले थे तो थोड़ा सा इसको देखिए एक बार और। चलिए तो ये हमारे पास किसके मोल हो गए, हमारे पास इस जगह Fe के, Fe और 3y दिस 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 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे आप यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 50/100, ये आपके पास हो गए Fe प्लस 2 के मोल, पक्का मोल हो गए आपके पास। ये जब मोल आ गए इसको आपने 50/100 क्यों किया, क्योंकि 100 में डिसॉल्व किया 50 निकाल दिए, पहले भी 100 में करा था 20 निकाले थे, वो 20 तो वहां गए थे 50 यहां ले लिए ऐसे समझो, और अभी भी कितने बचे हुए हैं 30 बचे हुए हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं किया है। अब KMnO4 को अगर देखते हैं आप, KMnO4 तो KMnO4 के इक्विवेलेंट कितने होंगे, 12.8 तो उसका वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय 1000, 0.25 को 1/4 लिख देते हैं, और इसका एन फैक्टर कितना है 5, आपने यहां मोल रखे थे आपने इक्विवेलेंट नहीं रखे, तो मोल को इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, एन फैक्टर कितना है यहाँ पर प्लस 2 प्लस 3 में चेंज होगा 1, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन आपको करना चाहिए था ये 1, ठीक है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल दोनों डायरेक्ट आंसर निकाल देगा, तो आप जब ये कैलकुलेट करोगे तो एक्स जो कि क्या शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ Fe3O4, यही शो कर रहा है एक्स, Fe3O4 एक्स शो कर रहा है, और Fe ये आ रहा है आपका 34.8, और परसेंटेज ऑफ Fe2O3 ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, जो कि 49.33% आ रहा है। तो ये दो आंसर्स आपके आंसर आ चुके हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है, करिए। देखो एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चंस को अलग आसान लैंग्वेज में, देखो कैसे किया है इस क्वेश्चंस को, आपके पास ये मिक्सचर था Fe3O4 Fe2O3, आपने आई माइनस यूज किया, सारा मिक्सचर Fe प्लस, इसका ऑक्सीडेशन होगा इसका रिडक्शन होगा, इसमें चेंज हो गया, समझ में आ रहा है, और इसको आपने 100 ml बना दिया, चलो बहुत अच्छा बनाया आपने। और अब इसके दो पार्ट कर लिए 20 ml और एक ले लिया आपने 50 ml, कुछ ऑब्वियसली Fe प्लस जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो आज की तारीख में इसके बाद क्या होगा सिर्फ प्लस 2 में रहेगा, और आयोडीन आई माइनस से किस में रहेगा I2 में। यहां आपके पास आयोडीन को टाइट्रेट किया हाइपो से इस स्टेप में Na2 S2O3 जो कि Na2 S4O6 में कन्वर्ट हुआ है, और आयोडीन NaI में चेंज हुई है, और दूसरी तरफ यहां जो Fe प्लस 2 है वो KMnO4 के साथ चेंजेज हुआ है और क्या बना है Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3 में चेंज हो गया। मेरा टारगेट ये था इस क्वेश्चंस को जब मैंने समझा कि कैसे भी करके फर्स्ट रिएक्शन में आयोडीन के इक्विवेलेंट निकाल लूं और सेकंड इक्वेशन में Fe प्लस 2 के मोल निकाल लेता हूं, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहां एन फैक्टर कितना रहेगा इसका 1 क्योंकि प्लस 2 से प्लस 3 में चेंज हो रहा है, यहां एन फैक्टर कितना रहेगा 5 क्योंकि प्लस 5 प्लस 7 से प्लस 2 में चेंज हो रहा है, हाइपो का एन फैक्टर कितना होगा 2.5 से 2 में चेंज हो रहा है 0.5, लेकिन दो सल्फर है तो एन फैक्टर यहां पर कितना होगा 1, इसका एन फैक्टर 2। तो मुझे ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए इस क्वेश्चंस को देखने में, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है। अब यहां पर ये जो मिक्सचर था ये 3 ग्राम था,
कितना था 3 ग्राम। तो चलिए इसके मोल कितने होंगे, मान लीजिए इसकी एक्स परसेंट प्योरिटी थी, 3 × x/100, और इसका मोलर मास कितना है आपने निकाला 232। ये Fe3, यहां पर Fe2O3 के कितने मोल है, 3y/100, यहां y परसेंटेज प्योरिटी 160। समझ में आ रहा है, ये पूरा आयोडीन के साथ रिएक्शन करके सबके सब मोल किसमें चेंज हो गए, Fe+2 में। तो Fe+2 के मोल कितने हो जाएंगे यहां पर, 3x/100 अपॉन 232 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 आयरन है, प्लस 3y/100 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आयरन है। ये मेरे पास Fe+2 के मोल आए। इज दैट क्लियर। इन मोल को मैंने 100 ml में डिजोल्व करके 50 ले लिया, तो 50/100 करा, मोल आ गए, मोल मल्टीप्लाई बाय इनफैक्टर 1, इक्विवेलेंट आ गए। वो इक्विवेलेंट KMnO4 के इक्विवेलेंट के बराबर कर दिए। KMnO4 के इक्विवेलेंट कितने हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, जो कि एन फैक्टर कितना है यहां पर 5। तो यहां एक इक्वेशन यहां से बन गई, बन जाने दो। और दूसरी इक्वेशन आपके पास कहां से बनेगी, आयोडीन से। आपके पास आयोडीन के इक्विवेलेंट कितने होंगे ये बात पता चलेगी कि Fe+3 के इक्विवेलेंट कितने हैं। इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि आयरन की यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +8/3, जो कि चेंज होगा कितना, माइनस मतलब +2 में, लेकिन -2 करना पड़ेगा चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में, +3। तो इसके मोल मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर, तो इसके मोल कितने हैं आपके पास 3x, थोड़ा सा जगह और बनाते हैं, पूरी जगह खाली है हमारे लिए। अब कैसे हम करेंगे, 3x/100 अपॉन 232, ये तो मोल है, एन फैक्टर कितना होगा इसका, 8/3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना हुआ 2। ये इक्विवेलेंट होगा Fe3O4 के इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, प्लस Fe3y/100 बाय 160 मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर कितना है, क्योंकि यहां पर प्लस प्लस 3 से, ये प्लस 3 है, प्लस 3 से प्लस 2 में चेंज हुआ है, एक आयरन के लिए 1, 2 आयरन के लिए 2। ये हमारे पास हो गया इसका एन फैक्टर, और एन फैक्टर दोनों के मल्टीप्लाई करते ही इक्विवेलेंट आ गया। किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इतने ही इक्विवेलेंट आयोडीन के बनेंगे, और उसको भी आपने क्या किया 100 में डिसॉल्व करके 20 ml ले लिया। तो ये वो आयोडीन है जो इस रिएक्शन में हाइपो के साथ रिएक्शन करने गई है। इक्विवेलेंट ऑफ आयरन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, इक्विवेलेंट ऑफ I2 मल्टीप्लाई बाय 20/100 करते ही इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो के इक्वल आ जाएगा। और हाइपो के इक्विवेलेंट कितने दिए हैं, वो आपके पास दिए गए हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय जो भी है एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी दी गई थी उसमें, इस क्वेश्चन में देख के बताएं जल्दी से क्वेश्चंस को, 0.5 यानी 1/2, और वॉल्यूम कितना था 11.0/1000, ये इक्विवेलेंट ऑफ दिस, और एन फैक्टर 1 है ही। तो ये एक और इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या जैसा क्वेश्चंस कर जाएंगे हम दूसरी तरफ। बोलो क्लियर हुआ कंसेप्ट सब, तो